नमस्कार। हर मुश्किल की स्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आपदा में भी कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और मजबूती से गढ़ सकते हैं, ये हमें दिखाना है। इकोनॉमी की रफ्तार के लिए सरकार ने दिया है पावर डोज। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लोकल वोकल और ग्लोबल के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का असर नजर आने लगा है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। साथ ही अपील तमाम प्रवासी मजदूरों और कामगारों से जो अपने घर जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार लगातार आपके लिए इंतजाम कर रही है। धैर्य रखें और तुरंत निकटतम अधिकारी से संपर्क करें, पैदल ना जाएं। कोरोना से जुड़ी हर अहम खबर को लेकर हम हाजिर हैं कोरोना पर नजर में। मैं हूं जया सिन्हा और सबसे पहले देखते हैं फास्ट हेडलाइंस। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश। कहा, घर लौटने वाले मजदूरों को पैदल ना जाने दें, बल्कि बसों या श्रमिक स्पेशल ट्रेन से किया जाए रवाना। भोजन और पानी का भी करें इंतजाम। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का होगा गठन। पीएम ने किया फैसले का स्वागत। कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में मिलेगी मदद। पशुपालन संबंधी ढांचागत विकास के लिए सरकार ने की 15,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा। 10 लाख हेक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण आज से। 22 मई तक विदेशों में फंसे करीब 30,000 भारतीयों को वापस लाने का लक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है अमेरिका। कहा, अदृश्य शत्रु को मिलकर हराएंगे, भारत को वैक्सीन विकसित करने में करेंगे सहयोग। भारत में कोरोना के 53,035 सक्रिय मामले, 2,752 लोगों की हुई मौत, 30,152 मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 14,42,000 के पार पहुंची, जबकि मरने वालों की संख्या 87,500 से अधिक। रूस में 2,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं ब्रिटेन में संक्रमितों का आंकड़ा 2,38,000 से हुआ पार। ब्राजील में भी संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि। इटली में 3 जून से लोगों को विदेश जाने की होगी इजाजत। कोरोना के कारण इटली में 31,600 से ज्यादा लोगों की मौत, 2,23,000 से ज्यादा संक्रमित। WHO के महानिदेशक ने कहा, सभी को बराबर दवाएं और टीके मिलने पर ही मिलेगा कोविड-19 से छुटकारा। सभी देशों से स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर दिया जोर। और कोविड-19 से जुड़े इस विशेष बुलेटिन में सबसे पहले बात भारत की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब से थोड़ी देर पहले ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 53,035 हो गई है, जबकि 30,152 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से 2,752 लोगों की मौत हुई है। तो कोविड-19 की भारत में ताजा स्थिति है ये। इस वक्त 53,035 सक्रिय मामले हैं।
और केंद्र सरकार लगातार कोरोना संकट के इस दौर में प्रवासी मजदूरों के लिए नए नए दिशा निर्देश जारी कर रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। अब एक बार फिर प्रवासी मजदूरों के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगारों को घर वापसी के लिए पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि सरकार उनकी यात्रा के लिए बसों के अलावा 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन रोज चला रही है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि वो अपने अपने राज्य में लोगों को केंद्र सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी दें ताकि उन्हें पैदल चलने की नौबत ना आए। इसके अलावा कहा गया है कि घर लौटने के इच्छुक श्रमिकों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाकर उन्हें बस या रेलगाड़ी मिलने तक भोजन पानी मुहैया कराया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा है कि कामगारों की घर वापसी के लिए जरूरी होने पर रेल मंत्रालय और अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। और अब बात आत्मनिर्भर भारत अभियान की। कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था उसके तहत खेती किसानी को बड़ी सौगात दी गई है। आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त के जरिए कृषि, मत्स्य पालन और इनसे जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है। इस मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर सुविधाओं के निर्माण के मकसद से 8 फैसलों की घोषणा की गई है, जबकि 3 अन्य घोषणा शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है और आने वाले दिनों और महीनों में कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को फिर से जीवित करने की क्षमता रखता है। कुछ खाद्य पदार्थों के लिए पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेंगी। इस संशोधन से इन चीजों का बिना किसी सीमा के भंडारण किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष सहित कई अन्य उपायों की भी घोषणा की है जो डेयरी प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए और मधुमक्खी पालकों के कल्याण के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस, इसकी तीसरी किस्त का ब्यौरा दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल। और कोविड-19 के महामारी के दौरान विदेशों में फंसे संकटग्रस्त भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से शुरू होकर इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। भारत सरकार का विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू किया गया वंदे भारत मिशन अब तक का सबसे बड़ा और जटिल अभियान है। दूसरे चरण के तहत एयर इंडिया ने 14 मई से भारत से कुछ चुनिंदा देशों के लिए वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी थी। मिशन के दूसरे चरण में करीब 30,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा, जो पहले चरण के लक्ष्य 14,800 भारतीयों की संख्या का करीब दोगुना है। एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस इस मिशन के दूसरे चरण में अहम भूमिका निभाएंगे। और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इस वक्त जमीनी हकीकत क्या है, आइए उस पर डालते हैं नजर। ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जगह की कमी के चलते बीएमसी ने अब वानखेड़े स्टेडियम में मरीजों को रखने का फैसला किया है। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने इस बारे में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को आदेश जारी किए हैं। सिविक बॉडी बीएमसी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कहा है कि वो वानखेड़े स्टेडियम को जो है वो बीएमसी को सपोर्ट करते हैं ताकि जो क्वारंटाइन करने के लिए जो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको वहां पे जो है रखा जा सके। मुंबई में ऑलरेडी जगह की काफ़ी कमी हो चुकी है, जिस तरीके से यहाँ औसतन करीब 1,000 केसेज रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, वैसे में यहाँ पे जगह की कमी होनी जो है वो स्वाभाविक है। और उसके बाद जो ये फैसला बीएमसी ने लिया है, कल इस मामले में जो है वो आदेश भी निर्गत कर दिया गया है। इससे पहले एनएससीआई का जो इंडोर स्टेडियम है
वर्ली में उसको भी बीएमसी ने अधिग्रहित किया था। इसके अलावा कई सारे जिम खाना को अधिग्रहित किया गया है ताकि जो कोविड 19 के विक्टिम्स हैं या जो सस्पेक्ट हैं उनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जा सके। मुंबई की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो नंबर यहाँ पे काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अलग अलग इलाकों में कई सारे जो है वो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं और जो यहाँ अगर ओवरऑल अगर बात करें तो जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं उनको एकोमोडेट करना जो है वो मुंबई के लिए काफ़ी जो है चुनौती भरा है। ऐसे समय में जब प्री मानसून का जो की जो बारिश है वो भी मुंबई में अपेक्षित है, तो ऐसे समय में अब वो जो सिचुएशन जो है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए उसकी हम कह सकते हैं एक तरीके से जो मुंबई में तैयारी हो रही है। अभी तक ओवरऑल अगर सिर्फ सिटी की बात करें तो 17,000 से ज़्यादा केसेज जो है वो मुंबई में रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें से 933 नए केसेज हैं। ऐसे में जो है निश्चित तौर पर जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र सरकार के लिए और साथ में मुंबई सिविक बॉडी के लिए, उसी को देखते हुए ये सब जो है फैसले लिए जा रहे हैं। मुंबई से मैं योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार। तो वानखेड़े स्टेडियम को अब क्वारंटीन केंद्र में बदला जाएगा और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ इस रोजगार से मिलने वाला पैसा सीधे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए गरीब और मेहनतकश लोगों के खाते में पहुंच रहा है। देखिए जयपुर के माचवा गांव से हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ माचवा गांव में और जैसे कि आप देख सकते हैं मनरेगा का काम चल रहा है और यहाँ पर स्थानीय महिलाएं ये खड्डे खोदने का काम कर रही हैं। मनरेगा के तहत जो मजदूर हैं हम उनसे बात करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे गांव में नरेगा का काम चल रहा है इसलिए हम काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे में मनरेगा से जो इनको रोजगार मिल रहा है ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है और इसकी वजह से इनका गुजारा चल रहा है। यहाँ के हम सरपंच से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये मनरेगा इन लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते इसलिए इनको बहुत फायदा मिलेगा और आगे भी हम डिमांड रखेंगे। इन्होंने कहा ब्रह्मास्त्र है, संजीवनी है और बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो गया है मनरेगा के तहत। हमारे साथ यहाँ की पंचायत की सेक्रेटरी है, क्या नाम है आपका? जी सर, मीना शेखावत। हाँ मीना जी, बताइए कि मनरेगा का काम तो चल रहा है लेकिन इस बार का मनरेगा थोड़ा अलग है, अब कोरोना का कहर है तो ऐसे में आप क्या एहतियात बरत रहे हैं? हम जैसे इनको एम्प्लॉयमेंट तो दे ही रहे हैं जी, साथ में इनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे इनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और इनके लिए मतलब पूरा ध्यान रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क भी वितरण किए गए हैं इनको। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना सैनिटाइजेशन इनका किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है और मास्क जरूरी है। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, माचवा, जयपुर। तो मनरेगा इन कामगारों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यहां अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों से हमारे संवाददाता राजेश राज ने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि रेलवे की ओर से कैसा इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गुलजार हो चली है। यहाँ पर जो सुनसान था, जो सन्नाटा था, वहाँ अब चहल पहल बढ़ गई है और मुसाफिर अपनी बारी की प्रतीक्षा में, अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठे हैं। किन्हीं की ट्रेन जयपुर के लिए है, किसी की ट्रेन अहमदाबाद और किसी की मुंबई के लिए है। हम उन मुसाफिरों से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। जो यात्री फंसे थे उनको निकालने के लिए जो गवर्नमेंट का जो रूल था बहुत एकदम सही था, डिसीजन बिल्कुल सही है, हम सही समय पर जा रहे हैं अपने घर। ये एक अच्छा कदम है IRCTC का और बेहतर होता कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट के अगर कुछ लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती है ताकि घर से यहाँ तक आने में समस्याएं ज़्यादा नहीं होती। बाकी ये एक अच्छा कदम है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, बाकी लोगों को खुद भी संभल के चलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस। गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है पर ये लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लोगों को खुद भी जागरूक होना चाहिए। जी, लोगों को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए क्योंकि ये बीमारी गवर्नमेंट रूल्स से नहीं जाएगी, ये लोगों के ही जागरूक होने से और लोगों की उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करने से और उसको मानने से। मुसाफिर कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, लोग जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक कैसे काम चलेगा। सर जी, हमारे काम है सफाई की, तो सफाई तो हम लोग दिन रात कर ही रहे हैं और जहाँ तक रहा तो वो तो जब तक रेल चालू हो गया तो उसमें हमें भी खुशी हुई कि जो साफ सफाई में जुटे हुए हैं, जो हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं,
उनके सिर्फ साफ सफाई से कुछ नहीं होगा, होगा तब जब लोग स्वयं जागरूक होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तब जाकर जो लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना के खिलाफ जो सरकार की लड़ाई है वो लड़ाई मुकम्मल लड़ाई में तब्दील होगी और कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो इन विशेष ट्रेनों के जरिए लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही तमाम सावधानियों का भी वो कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जी हाँ, कोविड 19 के प्रकोप के बीच भी कई अच्छी खबरें भी सामने आ रही है, आइए वो देखते हैं। संकट के समय में राजस्थान से अच्छी खबर आई है कि राजस्थान की कंपनी ने 7 रोबोट बनाए हैं जो कोरोना संकट के समय काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ये रोबोट कोरोना योद्धाओं की मदद कर रहे हैं। ये न केवल थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं बल्कि ऐसे लोगों की भी पहचान कर सकते हैं जो मास्क नहीं पहनते। ये रोबोट मरीजों को भोजन और दवाइयां भी दे रहे हैं। इनकी वजह से अस्पतालों के कामकाज में बाकी स्टाफ को काफी आसानी हो रही है। तो संक्रमण से बचाव में ये तकनीक का इस्तेमाल काफी कारगर साबित हो रहा है। कोरोना वायरस के महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। आपदा की इस घड़ी में देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लोकल वोकल और ग्लोबल के पीएम मोदी के आह्वान को हरिद्वार की 170 आयुर्वेदिक फार्मेसियां कैसे चरितार्थ कर रही है, देखिए खास रूप। लोकल से वोकल तथा वोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम में भी प्रधानमंत्री स्वयं शामिल रहे हैं। इसी कड़ी में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाकर उन्होंने योग व आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किए हैं, जिसका लाभ आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनियां व योग प्रशिक्षक उठा रहे हैं। साथ ही साथ आपदा में नए अवसरों की तलाश के मद्देनजर आयुर्वेदिक कंपनियों ने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के निर्माण की गति भी बढ़ा दी है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर जीएस जंगपांगी का कहना है कि हरिद्वार में लगभग 170 आयुर्वेदिक फार्मेसी उत्पादन कर रही हैं तथा कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ और नई दवाइयों के लिए भी लाइसेंस के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं, जिससे नए योग भी बाजार में आ सकेंगे और लोगों को कोरोना सहित अन्य बीमारियों से बचाव के लिए ऐसी दवाइयां कारगर साबित होंगी। 170 के लगभग जो है आयुर्वेदिक फार्मेसियां काम कर रही है। इसमें जो है हमारे पतंजलि का तो खैर उसमें अच्छा रिस्पांस है, काफी बड़ी मात्रा में जो है इनके द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है। इनके द्वारा जो है आयुर्वेद को जो है काफी ऊंचाई पर ले लाया गया है। वहीं पतंजलि योग पीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने दूरदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि आयुर्वेद में हजारों सालों से जीवन की रक्षा के लिए संजीवनी माने जाने वाली दवाओं का निर्माण किया जाता रहा है। बाबा रामदेव ने कहा है कि हम योग व आयुर्वेद को अपनाकर तथा खानपान में सावधानी बरतकर कई बड़ी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। साथ ही योग व आयुर्वेद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हमारे शरीर के आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, 20 लाख करोड़ रुपए का, एक कोरोना से उभरने के लिए, उससे देश को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए कि हम लोग भारत में चीज़ें बनाएं, उसको बेचें, उनको खरीदें, उसको के ऊपर हम फक्र गौरव अनुभव करें। तो ये लोकल से ग्लोबल होने की जो बात मोदी जी ने कही और उसके बारे में वोकल होने की बात कही है, यह इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है और बिना स्वदेशी के कोई भी राष्ट्र स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन नहीं सकता। वहीं हंस हर्बल कंपनी के महाप्रबंधक नवीन चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए जब से योग एवं आयुर्वेद अपनाने की सलाह लोगों को दी गई है, तब से शीत जनित रोगों जैसे सर्दी खांसी जुकाम छाती के रोगों से बचाव के लिए ली जाने वाली दवाइयां, जिसमें च्यवनप्राश तुलसी गिलोय जैसी दवाइयां शामिल हैं, उनकी मांग काफी बढ़ गई है। क्वेश्चन के लिए जो आयुष मंत्रालय ने जो एक क्वाथ के विषय में जो घोषणा की है, आयुष क्वाथ,
उसको हम ले तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ में तुलसी सबके घर में है और आसानी से उपलब्ध है, तुलसी का भी हम सेवन करें, गर्म पानी पिए और प्रॉपर वे में गर्म खाना खाएं। गौरतलब है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद पहली बार देश के किसी पीएम ने लोकल स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के इतनी जोरदार तरीके से वकालत की और इसे आम जनजीवन के मूल मंत्र के तौर पर स्थापित करने का नारा दिया, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो स्वदेशी अपनाएं। और आइए देखते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना का कहर किस तरह से जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार भारत समेत अन्य देशों के साथ मिलकर वैक्सीन के विकास की दिशा में तेज रफ्तार से काम कर रही है। व्हाइट हाउस रोज गार्डन में आयोजित एक इवेंट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ये साल खत्म होने से पहले वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन तैयार होगी उनका प्रशासन इसके वितरण में जोर शोर से जुट जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने दोस्त भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस संकट के दौर में साथ खड़ा है। इसमें वेंटिलेटर से जुड़ी सुविधा भी शामिल है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। कोरोना की वजह से अमेरिका में मरने वालों की संख्या 87,000 के पार हो गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 14,43,000 के पार हो गई है। और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 45,42,000 से अधिक हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 3,00,000 से पार हो गई है। अमेरिका के बाद रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। रूस में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2,60,000 के पार जा चुकी है, जबकि इस वायरस से रूस में 2,418 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में राजधानी मॉस्को इस महामारी का केंद्र बना हुआ है। यूरोप में भी गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इटली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,23,000 के पार हो चुकी है। स्पेन में कोरोना वायरस से 138 और लोगों की मौत हुई है, जिससे स्पेन में मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 27,000 के पार हो गया है। कोरोना वायरस से अब तक 2,30,000 से अधिक मामले स्पेन में आ चुके हैं। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी महामारी कोविड-19 का जो कहर है वो जारी है। संक्रमण से अब तक 34,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या 2,38,000 के पार पहुंच गई है। और कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित इटली ने एक अहम फैसले के तहत 3 जून से लोगों को विदेश यात्रा करने और देश में आने की अनुमति दे दी है। उसी दिन से लोग देश के अंदर कहीं भी यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए भी कई उपाय किए जा रहे हैं। इससे पहले 4 मई से कारखाने और पार्कों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। 5 मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाला इटली पहला यूरोपीय देश था। कोरोना वायरस की चपेट में कोई भी आ सकता है। कोरोना विजेताओं के प्रति हमें संवेदनशील होना होगा। किसी भी तरह का भेदभाव बेहद निंदनीय है। एक प्रसिद्ध अभिनेता, कारखाना में काम करने वाला मजदूर या बच्चा, हम सब कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। महामारी हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी इस वायरस के चपेट में आ सकता है। हम सबको इन व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और समर्थन देने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ अपने शब्द ध्यान से चुने, कठोर शब्द ना बोले और भेदभाव ना करें। यह वायरस तेजी से फैलता है और गलत जानकारियां भी, अफवाह और फर्जी खबरें ना फैलाएं। हाथ धोने और फिजिकल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह
सही जानकारियां। आइए लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, भय नहीं। जब वायरस लोगों को लेबल नहीं करता तो हम क्यों करें? जब वायरस पक्षपात नहीं करता है तो हम क्यों करें? एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जीते, भेदभाव ना करें। जी हाँ, छूना नहीं है लेकिन साथ छोड़ना नहीं है। हमारा सलाम उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को जो बिना थके अपनी इस जंग में जुटे हैं। तो दो गज दूरी है बेहद जरूरी, आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ाएं कदम, सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें क्योंकि सावधानी ही बचाव है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल भी अपने अथक प्रयासों से भारत को कोरोना से विजयी बनाने में जुटा हुआ है। आपको छोड़े जाते हैं उसकी एक झलक के साथ। जय हिंद, नमस्कार। संसार में फैला कोरोना है, वायरस बड़ा ही डरावना है, इससे जहां को बचाना है सीआरपीएफ का कहना। वतन पे आए कोई मुसीबत अपनी जान लगाएंगे, दवा पानी और राशन को हम हर घर तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर नर्सों की सेवा ने पूरा विश्व बचाया, पहला कोरोना है, वायरस बड़ा ही डरावना है, इससे जहां को बचाना है सीआरपीएफ का कहना।